यहाँ पे सर, इस अटेम्प्ट का एक और लास्ट सवाल है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी वेटेज 8 मार्क की, आपके स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 1, 2, 3 से पर्टेन करता है। देखो 8A में क्या कहता है, कहता है योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जब्बार गैस सप्लाई लिमिटेड। द मैनेजमेंट ऑफ जब्बार गैस सप्लाई लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रिपेयर द करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इट्स एनुअल टैक्स ऑब्लिगेशन। आप एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के ऑडिटर हो और कंपनी आपको कह रही है कि करंट टैक्स डेफर टैक्स की वर्किंग कर दो। 4 मार्क की डिबेटेज है। रिक्वायरमेंट में कहता है इन लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्कस वेदर योर फर्म इज परमिटेड टू परफॉर्म द सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट। सर अगर हम थोड़ा सा स्टडी टेक्स में कोड ऑफ एथिक्स सर्च करें, ये वैसे चैप्टर कवर किया है आप लोगों ने, तो आईकैप कोड ऑफ एथिक्स में हमारे पास, अगर आप आईकैप कोड ऑफ एथिक्स के एरिया पर आएंगे, आईकैप कोड ऑफ एथिक्स में हमारे पास अगर हम मेजर हेडिंग्स को देखकर चलें, तो पहले टैक्स सर्विस की वो हेडिंग आ रही है, फिर टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की आ रही है, फिर आ रही है टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। कहता है सारे ऑडिट क्लाइंट के केस में, सारे ऑडिट क्लाइंट के केस में प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल बी सब्सिक्वेंटली ऑडिट बाय द फर्म क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट की करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर रहे हो तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो जाता है। इन एडिशन टू द फैक्टर पैराग्राफ 6.1 अबव, पता नहीं क्या होगा वहां पे, अ फैक्टर दैट इज रेलेवेंट इन इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट क्रिएटेड व्हेन प्रिपेयरिंग सच कैलकुलेशन फॉर एन ऑडिट क्लाइंट इज वेदर द कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच फर्म विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आपने पहले तो ये देखना है कि ये जो ऑडिट का काम आप कर रहे हो, ये जो टैक्स की वर्किंग आप क्लाइंट को करके दे रहे हो, क्या ये टैक्स की वर्किंग क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल इंपैक्ट क्रिएट करेगी या इमटेरियल इंपैक्ट क्रिएट करेगी। अब आपके लिए स्पेसिफिकली कह रहा है कि अगर आपका ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज नहीं है तो क्या होगा, अगर आपका ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है तो क्या होगा। सर ये समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी और नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। देखो जिन इदारों में पब्लिक का पैसा या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है ना किसी तरीके से, ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक में पब्लिक एट लार्ज का पैसा होता है तो बैंक एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल आईक्यू, आईक्यू में पब्लिक मतलब स्टूडेंट्स ने फीस डिपॉजिट की हुई, एडवांस में दी हुई, पैकेज के मंजन खरीदे हुए, तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी बन गई। और अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री है, कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है जो सिर्फ अपने डीलर्स वगैरह से डिस्ट्रीब्यूट करी है, पब्लिक एट लार्ज से डील नहीं करी, तो वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी नहीं है। पब्लिक सेक्टर एंटिटी और नॉट पब्लिक सेक्टर एंटिटी में क्या कहता है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफगार्ड टू एड्रेस दिस रिव्यू थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट इज यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट द ऑडिटिंग मेंबर्स टू परफॉर्म द सर्विस। अगर आप नॉन पब्लिक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो और साथ साथ टैक्स कैलकुलेशन भी कर रहे हो, तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए ऐसे बंदे को इस्तेमाल करो जो कि ऑडिट टीम का पार्ट नहीं है, यानी ऑडिट टीम के बंदे अलग होने चाहिए, टैक्स कैलकुलेशन किसी दूसरे बंदे से करवा लो। हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यू हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द परफॉर्मिंग द सर्विस रिव्यू एंड ऑडिट वर्क और सर्विस इन्वॉल्व, और फिर एक इंडिपेंडेंट बंदे से कैलकुलेशन करवा के उसका रिव्यू भी करवा लो। रिव्यू भी उस बंदे से करवाना है जिसने कैलकुलेशन बनाई ना हो और जो कि ऑडिट टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑडिट क्लाइंट पब्लिक सेक्टर एंटिटी है तो क्या करेंगे, अ फर्म और अ नेटवर्क फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज पब्लिक सेक्टर दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज दैट आर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन विच द फर्म विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगर जो टैक्स कैलकुलेशन का पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के ऊपर मटीरियल इंपैक्ट है, टैक्स कैलकुलेशन से जो टैक्स का नंबर कैलकुलेट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल है, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन दैट माइट बी सेफ गार्ड टू एड्रेस सेल्फ रिव्यू थ्रेट आर ऑल्सो एप्लीकेबल वेन प्रिपेयरिंग टैक्स कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड करंट टैक्स टू एन ऑडिट क्लाइंट इन अ पब्लिक एंटिटी दैट आर इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप कोई ऐसी टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो जो कि इमटेरियल है, तो फिर आपको ये वाले सेफगार्ड्स फॉलो करने चाहिए, यानी कि टैक्स बनाने का बंदा अलग हो, ऑडिट की टीम अलग हो, टैक्स कैलकुलेशन के लिए अलग बंदा हो, ऑडिट की टीम के अलग बंदे हो,
और जो भी टैक्स की कैलकुलेशन है उसे किसी इंडिपेंडेंट बंदे से रिव्यू करवा लेना जो कि वर्किंग में भी इन्वॉल्व ना हो और ऑडिट में भी इन्वॉल्व ना हो। तब इसके सोल्यूशन में, इसके सोल्यूशन में ये दोनों बातें लिखनी होगी, चार भाग का सवाल है ना। पहले तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि आप एक ऑडिट क्लाइंट की टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो गया। अब आपका ऑडिट क्लाइंट एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, अगर तो कैलकुलेशन मटीरियल है फिर तो आप कर ही नहीं सकते, और अगर कैलकुलेशन इमटीरियल है तो फिर आप ये वाले सेफगार्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्या ये समझ आ रहा है सर? इसी सवाल का पार्ट बी है, आइडेंटिफाई एनी फोर वेज बाय विच टैक्स कैन बी यूज इन द कंट्री डेवलपमेंट बियॉन्ड मेयर रेवेन्यू कलेक्शन, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। नॉट रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हमें बताना है। सर हमने स्टडी टैक्स में ही एक टॉपिक कवर किया है, टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आ रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन प्रमोट करती है, मतलब एस्टेब्लिश करती है टैक्स लॉस के थ्रू, उन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए। अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे ताकि गरीबों को मदद कर सके, कस्टम ड्यूटी पे ज्यादा कस्टम ड्यूटी वगैरह है लग्जरी आइटम पे, इम्पोर्ट और इम्पोर्ट को कंप्रेस करने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, चैरिटेबल डोनेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज पे टैक्स एडेड हो सकते हैं। तो ये सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स है जो यहाँ पे मेंशन करने थे। क्या ये हो जाएगा हमसे? पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात